हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में ला जनरल साइंस रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 टा क्वेश्चंस ए वीडियो में आज डिस्कस करबा हैला। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करबा जरो फर्स्ट क्वेश्चन रो। तो हैला ए जो 35 टा क्वेश्चन हमें डिस्कस करबा, ए 35 टा क्वेश्चंस अपन को आसुतिबा ओ ट्रिपल एससी रो हैला, पीओ एवं जे एग्जाम्स पई बहुत इम्पोर्टेंट हबो हैला, बहुत हेल्पफुल हबो। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु हैला। तो चलो तो वीडियोटी को स्टार्ट करबा आज फर्स्ट क्वेश्चन रो। तो आज प्रथम प्रश्न होची हमर हैला, आज प्रथम प्रश्न होची हमर एटम्स ऑफ एन इलेमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑल अदर इलेमेंट्स इन, माने एक उपादान रो परमाणु अन्य समस्त उपादान गुडी को ठारू कोथिरु भिन्न अटे हैला। तो ऑप्शन को ऑप्शन रा राइट होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हैला। माने एटी कही छी एटम्स ऑफ एन इलेमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑल अदर इलेमेंट्स, माने गुटे इलेमेंट रो एटम टा हैला बाकी सही इलेमेंट रो बाकी कोई जिनिस ठारु भिन्न अटे हैला। तो एटी दे छी हमर राइट आंसर हो एटम्स नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैला। तो माने सही एटम रो हैला एटम नंबर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठारु भिन्न अटे हैला। तो राइट आंसर हो छी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो, नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हला, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ, माने न्यूक्लियर फ्यूजन टा माने कहारो प्रभाव रे होई थाय हला, कहारो प्रभाव रे आणविक विभाजन हुए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन। तर राइट आंसर टा होची हमरो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन रो प्रभाव रे हैला कोटा हुए आणविक विभाजन, माने जहाँ को आम इंग्लीश रे कहूँ कौन न्यूक्लियर फ्यूजन टा हुए हैला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, माने को रेटा माने को रश्मिटा हैला अधिक अनुप्रवेशकारी, माने पेनिट्रेट गोटे जगह को पेनिट्रेट कर पारे हैला। तो बीटा रेज अल्फा रेज गामा रेज ना एक्स रेज हैला। तो राइट आंसर होची हमरो गामा रेज हैला। गामा रेजटा सबुठारु बेसी हैला अधिक अनुप्रवेशकारी, माने आम जहाँ कहूँ मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेजटा होची गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज, माने सूर्य किरण स्पेक्ट्रम रे हैला केतोटी रंग थाए हैला, केतोटी रंग थाए हैला, जो ये जो सनलाइट आसुची हैला ए सनलाइट रे केतोटा स्पेक्ट्रम माने केतरा कलर रो स्पेक्ट्रम थाए, 3, 7, 4, 5 हैला। तो राइट आंसर होची हमरो 7 हैला, सातटा रंग थाए हैला, जोडा को हम कहू भिग भिग भिव ग्योर हैला, भिव ग्योर हैला, भिव ग्योर एटा हम कहू हैला, जो हम ओडिया रे कहू बाघनिस होनाला हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच आर द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री हैला, माने सीमेंट इंडस्ट्री रे हैला, सीमेंट इंडस्ट्री रे सीमेंट इंडस्ट्री रे कोटा सीमेंट शिल्प रे गुरुत्वपूर्ण कंचामाल माने इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स गुड़िक को कोटा आवश्यक हुए, जिप्सम एंड क्ले, क्ले ना लाइमस्टोन एंड क्ले एंड ना लाइमस्टोन। तो राइट आंसर होची हमरो एटा लाइमस्टोन एंड क्ले हैला, लाइमस्टोन एंड क्ले होची सीमेंट इंडस्ट्री रे मेन रॉ मटेरियल्स हैला, माने कंचामाल अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर, माने पेट्रोलियम अग्नि पई क्यों प्रकार रो अग्नि निर्वापक यंत्र व्यवहार करा जाए, पाउडर टाइप लिक्विड टाइप सोडा एसिड टाइप ना फोम टाइप हैला, माने पेट्रोलियम द्वारा जदि पेट्रोल द्वारा जदि निया लागि थाए ताकु जदि बुझेबार अछि हैला, तो सेटा को भलिया अग्नि निर्वापक यंत्र व्यवहार करा जाए क्यों प्रकार रो हैला। तो यार राइट आंसर होची हमरो पाउडर टाइप हैला, को प्रकार रो करा जाए पाउडर टाइप रो अग्नि निर्वापक यंत्र यूज करा जाए हैला, माने फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड ए पॉलीएमाइड हैला, माने कोटा को गुटी साधारण हिसाब रे गुटी पॉलीएमाइड कहा जाए, टेरिलिन को नायलन को रेयन को ना ऑर्लन को। तो यार राइट आंसर होची नायलन हैला, नायलन को आम कौन कहूँ कॉमनली आम कहूँ गोटे पॉलीएमाइड हैला, पॉलीएमाइड क्या कहूँ नायलन को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो
इपोक्सी रेसिन्स आर यूज एज माने एपोक्सी रेसिन कौथि पई व्यवहार करा जाए हला कौथिरे व्यवहार करा जाए डिटर्जेंट्स इंसेक्टिसाइड हला माने पोकमरा एडहेसिव ना मोथ रिपेलेंट्स तो राइट आंसर होची हमरो एडहेसिव हला एडहेसिव पई हमकु हला कोटा एपोक्सी रेसिन्स टा यूज करा जाए हला कौथि पई एडहेसिव पई। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल कंटेंट्स माने पोशाक एवं बासन को सफा करिया पई व्यवहृत डिटर्जेंट गुड़िक कौन धारण करे हला तो कौ पाउडर टा धारण करे बाइकार्बोनेट्स बिस्मुथेट्स ना सल्फोनेट्स ना नाइट्रेट्स तो राइट आंसर होची सल्फोनेट्स हला कौ कौन कौ डिटर्जेंट से ये करे हला माने कौन धारण करे सल्फोनेट टा थाए कौटी डिटर्जेंट रे जो आम डिटर्जेंट रे कौन थाए सल्फोनेट थाए हला सल्फोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर हला माने जेते बेले आमे ग्लास रो उत्पादन करूछु हला सेई उत्पादन समय रे वायु बबल गुड़िक हला माने जो फोटोका गुड़िक थाए वायु रो बबल्स गुड़िक हला ताहाकु बाहर करिवा पई केउटा निम्नलिखित मध्य केउटे व्यवहृत हुए एर्सेनस ऑक्साइड पोटासियम कार्बोनेट ना सोडा आश ना फेल्सपार तर राइट आंसर होउछ हमरो एर्सेनस हला एर्सेनियस ऑक्साइड हला कोटा यूज हुए एर्सेनियस ऑक्साइड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होउछ हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन माने निम्नलिखित मध्य केउटी गुटी प्रोटीन अटे हला नेचुरल रबर स्टार्च सेलुलोज ना कोनोसति भी नहि तार राइट आंसर होउछ हमरो नेचुरल रबर हला नेचुरल रबर टा गुटी प्रोटीन अटे हला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होउछ हमरो वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ माने काठटा क्यों उत्पादन पई मुख्य कंचामाल अटे पेंट पेपर इंक ना गन पाउडर तार राइट आंसर होउछ हमरो पेपर हला माने कागज तयारी पई हला काठटा गुटी मुख्य कंचामाल अटे हला तो राइट आंसर होइसे ऑप्शन बी हला तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी हला कागज तयारी पई मुख्य कंचामाल कोन काठ। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो रेयन इज केमिकली माने रेयन रासायनिक भाव गुटी कोन अटे सेलुलोज अटे पेक्टिन अटे ना ग्लुकोज अटे ना एमाइलेज तर राइट आंसर होची हमरो हला रेयन गुटी रासायनिक भाव गुटी सेलुलोज अटे हला गुटी रेयन कोन रेयन गुटी सेलुलोज अटे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने ऑप्टिकल फाइबर आपण जानि छथि कोन जे हला ऑप्टिकल फाइबर टा मुख्यतः निम्नलिखित मध्य रु केउटी पई व्यवहृत हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फूड इंडस्ट्री ना वेविंग ना कम्युनिकेशन हला तो राइट आंसर होची हमरो कम्युनिकेशन हला माने जोगाजोग पई हला जोगाजोग पई ऑप्टिकल फाइबर टा हला कम्युनिकेशन पई ऑप्टिकल फाइबर टा व्यवहृत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज माने चर्म रो मुख्य उपादान कौन कौन अटे हला लेदर रो मुख्य उपादान गुड़िक कौन कोलाजेन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर ना न्यूक्लिक एसिड तार राइट आंसर होची हमरो कोलाजेन हला कोलाजेन होची लेदर रो मेन इंग्रेडिएंट हला माने मुख्य उत्पादन हला मुख्य उपादान कौन लेदर रो कोलाजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट आर द सोप्स माने साबुन कौन हला तो राइट आंसर होची हमरो ऑप्शन सी हला सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ हेवियर हला माने सोडा सोडियम एवं पोटासियम सॉल्ट होची हला हेवियर पोटासियम एवं सोडियम सॉरी पोटासियम एवं सोडियम सॉल्ट होची साबुन हला तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हाउ डज कॉमन सॉल्ट हेल्प इन सेपरेटिंग सोप फ्रॉम द सॉल्यूशन आफ्टर सोपोनिफिकेशन हला माने सोपोनिफिकेशन परे समाधान रु साबुन को अलग करिवारे साधारण लुण किपरि सहाय्य करे हला तो राइट आंसर कौटा तो राइट आंसर होची हमरो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर माने कही छी एठी हला बाय डिक्रीजिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सोप माने साबुन रो सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करिवा माने ताकू कम करिवा सोल्युबिलिटी किटा को साबुन रो हला
ସେଇଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା କେଉଁଟା ସୋମନିଫିକେସନ ପରେ ସମାଧାନରୁ ସୋମନିଫିକେସନ ସମାଧାନ ପରେ ହେଲା ସାବୁନ ଅଲଗା କରିବାରେ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ମାନେ କମନ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ କରେ ସାବୁନର ସୋଲିବିଲିଟିଟାକୁ ଡିକ୍ରିଜ କରେ ମାନେ କମ୍ କରିଦିଏ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ ଭୁଲକାନାଇଜେସନ୍ ନେଚୁରାଲ ରବର ଇଜ୍ ହିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମାନେ ଭୁଲକାନାଇଜେସନ୍ରେ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ରବର କାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରବରକୁ କାହା ସହିତ ଗରମ କରାଯାଏ କାର୍ବନ ସିଲିକନ୍ ନା ସଲଫର ନା ଫସଫରସ୍ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ସଲଫର ସଲଫର ସହିତ ହେଲା ଭୁଲକାନାଇଜେସନ୍ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରବର ମାନେ ନେଚୁରାଲ ରବରକୁ ସଲଫର ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଏ ଗରମ କରାଯାଏ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗ୍ଲାସ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ଗଭୀର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଯଦି ଆମକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କେଉଁଟା ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟୁପ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିକେଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନା କୋବାଲ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କୋବାଲ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା କୋବାଲ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ହେଲା ସେଇଥିରେ ତାପରେ ସେଇଟା ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଗ୍ଲାସ୍ କାହା ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଲିକେଟ୍ ହେଲା ବାଲି ଏବଂ ସିଲିକେଟ୍ର ମିଶ୍ରଣରେ ହେଲା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଲିକେଟ୍ସର ମିଶ୍ରଣରେ ଗ୍ଲାସ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ଭାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ୟୁଟିଲାଇଜଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଅବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିପୁଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ନା କାର୍ବାଇଡ୍ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ହେଲା ମାନେ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପେପର୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ବାଏ କାଗଜ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ମାନେ ଉଡ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଟ୍ ଏବଂ ରେସିନ୍ରେ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ପେପର୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ବାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ହୋଇଥାଏ ଉଡ୍ କାଠରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଟ୍ ଏବଂ ରେସିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜିପ୍ସମ୍ ଇଜ୍ ଏଡେଡ୍ ଟୁ ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଲିଙ୍କର୍ ଟୁ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲାବେଳେ ହେଲା ଜିପ୍ସମ୍କୁ ମିଶାଯାଇଥାଏ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ କେଉଁଥିପାଇଁ ମିଶାଯାଇଥାଏ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଅଫ୍ ସିମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସିମେଣ୍ଟର ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ଟାକୁ ମାନେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିପ୍ସମ୍କୁ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶାଯାଇଥାଏ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସୋପ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅର୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ସାବୁନ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଲୁଣର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା କେଉଁ ମାନେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲ୍ଟର କେଉଁଥିର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ସାବୁନଟା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ମୋନୋକାର୍ବୋକ୍ଜିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ମୋନୋକାର୍ବୋକ୍ଜିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲ୍ଟର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସାବୁନ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୋନୋକାର୍ବୋଜିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ ଲେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରିଜମ୍ସ ଇଜ୍ ମାନେ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରିଜମ୍ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଚଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ଜେନା ଗ୍ଲାସ୍ ସଫ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇରେକ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ନା ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେନ୍ସ ପ୍ରିଜମ୍ ତିଆରି କରିଥାଉ ହେଲା ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ୱାକ୍ସ ହେଲା ମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମହମ ପାରାଫିନ୍ ୱାକ୍ସ ଜାନୁବା ୱାକ୍ସ କାର୍ନାଉବା ୱାକ୍ସ ନା ବିଚ୍ ୱାକ୍ସ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ପାରାଫିନ୍ ୱାକ୍ସ ହେଲା ପାରାଫିନ୍ ୱାକ୍ସଟା ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ୱାକ୍ସ ଅଟେ ହେଲା ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍
नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो व्हाट कॉज ए मूविंग बॉडी टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन माने यदि कहिछि गतिशील शरीर रो परिवर्तन को हला प्रतिरोध करिवार कारणटा कोन ताको हमें कोन कहि थाउ हला को कारण जोगु हला गतिशील शरीर रो माने गोटी गतिशील जिनिसर परिवर्तनटा परिवर्तन को हमें प्रतिरोध करि पारिबा हला तो हाको हमें कोन कहि थाउ तो राइट आंसर होउछि इनर्सिया हला तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी हला माने इनर्सिया जोगु गोटे बॉडी को गोटे मूविंग बॉडी को हमें हला तारो स्टेट रे तारो स्टेट ऑफ मोशन माने गतिशील गतिशील परिवर्तन को हला माने आमे कोन करिवा रेसिस्ट करि पारिवा माने ताकु प्रतिरोध करि पारिवा कोथि जोगु ऑप्शन सी माने इनर्सिया जोगु नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो बैक टू विलेज स्लोगन वाज गिवन बाय माने बैक टू विलेज माने गां को फेरि जाओ हला यार एई स्लोगन टा कहा द्वारा दिया जाय थिला तो राइट आंसर होउछि हमरो माउ हला माउ को द्वारा एटा स्लोगन टा दिया जाय थिला कोन बैक टू विलेज नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो एड्स इज कॉज्ड बाय एड्स टा कहा द्वारा होई थाय बैक्टीरिया फंगस हेलमिंथ ना वायरस तार राइट आंसर होउछि हमरो वायरस द्वारा होई थाय हला वायरस द्वारा कोन होई थाय एड्स टा होई थाय ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज लॉन्च्ड फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन माने विद्यालय विद्यालय जाउथिबा पिला मानक पई निम्नलिखित योजना गुडी को मध्य केउटी आरंभ करा जाय छी हला तो राइट आंसर होउछि हमरो ऑप्शन बी माने मिड डे मील माने मध्यान भोजन हला विद्यालय जाउथिबा पिला मानक पई एही योजना माने मध्यान भोजन योजनाटा आरंभ करा जाय छी हला तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो नॉइज और नॉइज पोल्यूशन मेजर इन माने शब्द बा शब्द प्रदूषण केउथिरे माप करा जाय फोन डेसी डेसिबेल ना डेसिमल तार राइट आंसर होउछि डेसिबेल हला शब्द बा शब्द प्रदूषण को आमे डेसिबेल रे कोन मापी थाउ हला मेजर करि थाउ तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो व्हिच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन माने सन रो गुटे हार्मफुल माने क्षतिकारक किरण आसे हला केउ स्तरटा पृथ्वी रो सही सूर्य रो क्षतिकारक किरण रु आमको रक्षा करे हला आयोनोस्फीयर ओजोन लेयर ना ट्रोपोस्फीयर ना मैग्नेटोस्फीयर तार राइट आंसर होउछि हमको हमरो ओजोन लेयर हला ओजोन लेयरटा हला जो अति बैगणी रश्मि आसे सूर्य रो हला जाको हम क्षतिकारक कहू सूर्य रो क्षतिकारक किरण कहू ताकु ओजोन लेयरटा कोन करे रक्षा करे हला से ओजोन लेयरटा आमको रक्षा करे हला सूर्य रो से जो बैगणी रश्मिटा आसे आम पाखको हला हला ए ओजोन लेयरटा ताकु प्रतिरोध करे नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो व्हिच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल माने कौटा गोटे संपूर्ण तापमात्रा स्केल अटे सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन ना ए समस्त तर राइट आंसर होउछि हमरो केल्विन हला केल्विन रा गोटे हला एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हला केल्विन तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो वाटर मेटल बियरिंग रॉक्स कॉल्ड माने धातु धारणकारी पत्थर गुडी को आमे कोन कहि थाउ बिटुमेन बॉक्साइट ना मेटालॉइड्स ना ओर्स तो राइट आंसर होउछि हमरो ओर्स हला आमे ताको कोन कहि थाउ ओर्स कहि थाउ हला माने जोथिरे मेटल टकु जोथिरे जो पत्थर रो मेटल टा बाहरे ताको आमे कोन कहू छु रॉक कहू छु हला सॉरी ओर्स कहू छु हला ओर तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज एप्रोक्सीमेटली माने वायु रे अम्लजान रो उपस्थिति शतकड़ा केते थाए हला तो राइट आंसर होउछि 21% हला माने 21% थाए हला वायु रे अम्लजान रो परिमाण 21% थाए हला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि हमरो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ माने न्यूटन कहार एकक अटे हला फोर्स मोमेंटम ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ना वेलोसिटी
तार राइट आंसर हूँ आमर फोर्स है मान बल एकक हूँ न्यूटन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर मान डेसिबलटा ये आम प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ाक करा डेसिबल हूँ कहार एक एकक है तो यार राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी मान साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड है साउंड रो इंटेंसिटी को मापिबा पई आमे डेसिबल को व्यवहार करी थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है मान एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अनुजाई द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन इलिमेंट और ए कंपाउंड मान एक उपादान किंबा गोटे एक यौगिक क्षुद्र कणिका है दैट कैन एक्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मान जहाँ कि स्वाधीन भाव में विद्यमान हो पारे ताको आम कौन कही था ए मोलिक्यूल ए कैसन ए एनियन ना एन एटम तार राइट आंसर हूँ आमर ए मोलिक्यूल है आम गोटे मोलिक्यूल बोली कही था है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अनुजाई है एक उपादान किंबा एक यौगिक क्षुद्र कणिका जहाँ स्वाधीन भाव में विद्यमान हो पारे ताको आम कौन कही था गोटे मोलिक्यूल कही था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स इट्स स्टेटेड इन माने एटा कौ नियम है माने परमाणु रे कौनसी दुईट इलेक्ट्रॉन चारि क्वांटम नंबर रो समान सेट पाई पारिबे नाही एटा कौ नियम अटे तो यार राइट आंसर होची पॉलीस एक्सक्लूजन है पॉलीस एक्सक्लूजन नियम यहाँ अटे माने ये कही नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम माने गोटे आइटम दुईटा इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट फॉर फोर क्वांटम नंबर्स माने फोर क्वांटम नंबर्स रे सेमानकर समान रही पारिबो नहीं हला समान रही पारिबो नहीं दुईटा इलेक्ट्रॉन रो तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी पॉलीस एक्सक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो इन एन एटम सॉरी इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस माने गोटे एटॉमिक है गोटे परमाणु न्यूक्लियस रे न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय माने न्यूट्रॉन प्रोटॉन एकत्र है जो रही सेटा का द्वारा रही थाए तो राइट आंसर होची एक्सचेंज फोर्सेस है एक्सचेंज फोर्सेस द्वारा सेटा रही थाए कौन गोटे एटॉमिक न्यूक्लियस रे न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्सटा कहा द्वारा धरा जाय थाए माने कहा द्वारा होल्ड करा जाय थाए एक्सचेंज फोर्स द्वारा होल्ड करा जाय थाए हला थैंक यू।